सरकारें इमाम जिंदा और इमाम तानी रहा मेरे चार है केन्या ने बताए मोहम्मद उल हमदुल रसूल से बोले मोमिन कि मौलाना हुसैन की मोहब्बत मोमिन के दिलों में मोमिन की दिलों की गहराइयों में छुपी रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल अज़ाए हुसैन में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं और आप अंजुमन अज़ाए ज़ैनब ये कुर्ता ये ताज़ियत मासूम अलिया बिन ज़ैद के हाज़िर में हाज़िर की जा रही है। हम और आप अज़ाए हुसैन में शरीक हैं और दुआ ये करनी चाहिए कि परवरदिगार जब तक सांस रहे कभी साफ़ सिलसिला आले मोहम्मद की मोहब्बत से जुदा ना हो, क्योंकि हमारी जिंदगी तभी तक है जब तक हम हिदायत के हैं। अगर हिदायत का रद्द हो गए तो ये जिंदगी जिंदगी नहीं है बल्कि उसी दिन से मौत बन जाएगी। कोई ये ना सोचे कि हमने प्रोग्राम करवाया है तब मददारी हो रही है, हम मातम कर रहे हैं तब मातम हो रहा है, हम नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो नमाज़ ना होगा, हम जाकिर ना करेंगे तो बयान ना होगा। कसम खुदा की आप हुसैन किसी के मोहताज नहीं है। अगर कायनात का हर इंसान अदाई करना छोड़ भी दे तो अल्लाह फरिश्तों को भेजेगा अदाई करने के लिए, इसलिए कि अदाई हुसैन अल्लाह के वादों में से एक वादा है। अल्लाह का वादा है कि जब तक कायनात बाकी रहेगी हुसैन का जरिए अजीब बाकी रहेगा, अदाई हुसैन बाकी रहेगी। और दिनों अपनी बात बतानी बहुत आसान है कि अगर हम और आप अदाई करना छोड़ भी दें खुदा खास्ता तो स्वामी सारण जैसे लोग मातम करने तैयार हैं। स्वामी सारण जैसे लोग मातम करने तैयार है, कौन समझेगा कि अदाए हुसैन के क्यों ये हिंदू धर्म वाले क्यों मस्जिद हुसैन में आ जाते हैं, क्यों मातम करते हैं, क्यों अदाए हुसैन में शरीक हो जाते हैं, क्या जरूरत धर्म के आने की। कभी बात नहीं बनती है कि मौला हुसैन सिर्फ शियों के इमाम नहीं है, इंसानियत के इमाम है। अब जो जो इमाम है, जो जो इंसान है वो हुसैन से मोहब्बत करने वाला है, हुसैन इंसानियत के बेहतर है। हुसैन इंसान का नाम नहीं है, हुसैन इंसानियत का नाम है, हुसैन आदमी का नाम नहीं है, हुसैन आदमियत का नाम है। यही वजह है कि हम और आप क्या है आले मोहम्मद की मोहब्बत में गैर शिया ने गैर मुस्लिम ने भी हमेशा खैर मोहब्बत अदा किया। मैं चांद से पढ़ू जहन बार बार आ रहे हैं कि फराज गोरखपुरी रघुपति सहाय की चांद से इसलिए आवाज कर दूं कि वो कहते हैं मस्जिद में आके साहिब ईमान हो गए। चूंकि इतना वक्त नहीं है तफसीर का तुम्हारा बयान करूं, इख्तिसार में कहना चाहता हूं, लिहाजा कहता हूं मस्जिद में आके साहिब ईमान हो गए। मैं नहीं कह रहा, रघुपति सहाय कहते हैं कि मस्जिद में आके साहिब ईमान हो गए, जन्नत में कसर बन गए मेहमान हो गए। तो इसे सिर्फ सुनिए नहीं बल्कि दिल के और आप तहरी कर लीजिएगा कि मस्जिद में आके साहिब ईमान हो गए, जन्नत में कसर बन गए मेहमान हो गए। अरे काम आ गई बड़ा मोहब्बत हुसैन की, कलमा पढ़े लो गए मुसलमान हो गए। काम आ गई फिर आप अभी तो क्या समझेंगे ये अदनारी क्या है, क्या अदनारी ये बीबी सैयदा का वादा है अल्लाह से। आप देखिए अल्लाह ने कहा कि ऐसे सैयदा परेशान मत होना, हम कौन पैदा करेंगे जो अदाए हुसैन ने बच्चा हिस्सा लेगी। रोएंगे लोग अल्हम्दुलिल्लाह आप रो रहे हैं, मगर एक बात कर जाता हूँ हर चीज़ के लिए मकसद होती है। बस ये पैगाम चूँकि शाहराह में जब तकारीर होती है तो एक पैगाम मुझे होता है उसके अंदर, एक पैगाम सुन लीजिए। वो पैगाम क्या है भाई आप देखें, अगर हम आप अदाए कर रहे हैं तो अदाए का मकसद क्या है, तो मकसद भैया ऐसी बात है मकसद ये है कि हम अपना किरदार बनाना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हुसैन जुड़ा हुआ है, ये मातम की सदाई है, ये दिल का धड़कना भी मातम होता है, ये सांसों का आना जाना भी सदाई है। मेरा दिल तो ये हम हमारी सांसें यकीन बनाने हुसैन तक है, लेकिन इसको आज मैं चाहता हूँ कि मकसद हुसैन कैसे तरीके से हर इबादत के पीछे मकसद होता है। मकसद क्या है, अगर कोई बंदा नमाज पढ़े और ये सोच के नमाज पढ़े कि हम नमाज पढ़ते हैं चलो नमाज भी हो जाएगी कसरत भी हो जाएगी, तो अगर ये सोच के पढ़ रहा है कि बंदी हो जाएगी नमाज हो जाएगी तो कसरत तो होगी नमाज नहीं होगी। रमजान का महीना आया, आपने कहा कि हाथ में दूध कर देना डाइटिंग कर ली जाए, अगर रोजा रख रहे हैं और डाइटिंग ना के रोजा रख रहे हैं हाथ में दूध करने के लिए तो भाई डाइटिंग तो हो जाएगी रोजा नहीं होगा। सैर तफरी के लिए अगर कोई चला जाए हज करने के लिए तो भाई सैर तफरी तो होगी हज नहीं होगा, क्यों कैसे उसके पीछे मकसद है रीजन है। भाई नमाज कसरत के लिए नहीं है, रोजा डाइटिंग के लिए नहीं है, हज सैर तफरी के लिए।
कोई भी इबादत हर इबादत के पीछे मकसद है, और मकसद क्या, तो मकसद यह है कि अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह कुदरत खुदा, अगर नमाज कुदरत खुदा के लिए कोई इबादत, रोजा कुदरत खुदा के लिए कोई इबादत, हज कुदरत खुदा के लिए कोई इबादत, ज़कात कुदरत खुदा के लिए कोई इबादत, कोई भी इबादत अल्लाह से लेकर ये तक जो भी इबादतें हैं, अगर खुशनूदी खुदा है, रज़ाए इलाही है, कुदरत परवरदिगार है, तब तो वो इबादत है। लेकिन अगर जहां पर रियाकारी आ गई, दिखावा आ गया, तो वो इबादत नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे नमाज इबादत, रोजा इबादत, हज इबादत, हर इबादत इबादत है, वैसे मरीज़ भी इबादत है, मातम भी इबादत है, गिरजा भी इबादत है। मैं आपको ये सुना रहा हूँ, कायनात को बताना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि मरीज़ क्यों करते हो, भाई हम मरीजों को इबादत समझ ही करते हैं। दलील सुनिएगा भाई, नमाज जैसे इबादत, जैसे रोजा इबादत, जैसे तमाम इबादतें इबादत हैं, बिल्कुल वैसे ही हसन हुसैन, मातम हुसैन, नौहा, गिरजा, पुलसा, ये सब इबादतें हैं। क्यों? कारण मजलिस जुलूस, नौहा, मातम, ज़ाकरी, ये सब दिखावे के लिए होते इबादत नहीं, रियाकारी के लिए होते इबादत नहीं, कॉम्पिटिशन के लिए होते दिखावे के लिए इबादत नहीं, अपने आप को बुलंद करने के लिए होती इबादत नहीं। ये इबादत क्यों है? कई इबादत इसलिए है क्योंकि बीवी सैयदा से राजी होती है, क्योंकि सहरा की रहता है मरीजों में, ये मातम क्यों हो रहा है, तो सहरा राजी हो जाए। जुलूस किसने निकाला कि फातिमा राजी हो जाए, सीना किसे पीट रहे हैं कि फातिमा राजी हो जाए, मैं बयान किसने कर रहा हूँ कि सहरा राजी हो जाए। अगर यहाँ पे बात कॉम्पिटिशन की आ जाएगी ना, तो इबादत नहीं होगी। क्या इबादत वही है जिसके अंदर खुशनुदी सहरा मुजमिर हो, पोशीदा हो? अगर खुशनुदी रहता है, बीवी रहता है, बीवी सैयदा रहता नहीं, तो इबादत इबादत नहीं, माता इबादत नहीं। क्यों? इसलिए पैगंबर खाया, जिससे फातिमा राजी उससे मैं राजी, जिससे मैं राजी उससे खुदा राजी, जिससे खुदा राजी वो काम इबादत है। भाई जिस समाज से खुदा राजी वो काम इबादत है, तो अगर हमारा मातम खुशनुदी सहरा के लिए है, तो रसूल ने फरमाया जिस समाज से सहरा राजी वो समाज से रसूल राजी, जिस समाज से रसूल राजी वो समाज से खुदा राजी, और जिस काम से खुदा राजी वही काम से इबादत है। अब कोई यह समझे कि ये शिया सताइश से करते हैं कि इन्हें जन्नत में जाएगी, भाई हम जन्नत के लालच में मरीज नहीं करते, जहन्नम के खौफ में मरीज नहीं करते, क्योंकि हमारी नजरों में बीवी सैयदा की रज़ा जैसा है, इसीलिए मरीज भी होती है, माता भी होता है, माता भी होता है, सुरूर भी होता है, काला लिबास भी होता है, अदाकारी हो रही है। क्यों? खौफे दौर तक नहीं, हम शाह के हुक्मदारों को ख्वाहिशें खुद नहीं, हक के परस्तारों को। अरे फातिमा हाथ उठा कर दुआ देती है, और क्या चाहिए मौला के अदाकारों को? फातिमा हाथ उठा करके दुआ देती है, और क्या चाहिए मौला के अदाकारों को? जो कायनात में खाली है, मगर अदा हुसैन में इजाफा होता जा रहा है। जो मैं कहूँ कायनात में कोई किसी के लिए जीने के लिए मोहम्मद अली होंगे, कितना हुसैन के अदाकारी में मारने के लिए मोहम्मद अली। हर साल करोड़ों जा रहे लोग कैबर, क्यों जा रहे? ये जो कैबरा जाया जाता है ना, आज सफर की पहली तारीख, अभी 20 तारीख आएगी, अरबाई का रोज आएगा, चैलू आएगा, अदाकार का काफला ऐसे जाएगा जैसे हुसैन जा रहे हैं। करोड़ों की तादाद में जाएंगे लोग, सलमान है, कैसे लोग कैबर पहुंच गए? लोग सोचते हैं शीरों की तादाद तो बहुत थोड़ी थी, हज करने जाते हैं तो लाखों में होते हैं, करवा जाता है तो करोड़ों में होते हैं। हज हर लेने वाला करता है, ज्यादा ज्यादा वही करता है जो हुसैन ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अजीजों, ये मेराज है यार, क्यों? इसका आपका हुसैन के सलाम का जवाब है जो आप अदाकारी की शक्ल में दे रहे हैं। पता नहीं मुझे बिल्कुल भी तमीज या तफसील बयान नहीं करनी, इसलिए कि मेरे नाम पूरा दे रहे हैं माशाल्लाह, बीवी सैयदा हमारे पूरे को, हमारे साथी को, आपकी हाजिरी को, आपके मातम का गुनाह को दूर करवाएं। यकीनन मैं आपका भी कुछ नसीब है बोलूँ कि जो अदा हुसैन का हिस्सा लेते हैं, इसलिए कि यकीनन ये क्यों एहतराम किया है आपने, कैसे किया है कि हमजा मातम का गुनाह लेते हैं, उनके लाज गुजर सके अजीजों, ये बीवी सैयदा का कि बीवी सैयदा को लाज गुजर, और ये हकीकत है कि यकीनन मासूम आती हैं आपका भरोसा लेने के लिए। यकीनन सुबह से माशाल्लाह मिलने से कर रहे हैं आप, आमादा हैं, तैयार हैं रोने के लिए,
हिजा करने के लिए, सीना सने करने के लिए, आंसू बहाने के लिए, बस मुझे चंद लोगों की इबादत करनी है और उसके बाद में आपका नमा होगा, आपकी मातम होगा, आपकी मजीद होगी मेरा दिल। बस क्या करूँ, मुझे नहीं मालूम कि किस दुखी में जिससे कहा था जाने मेरे बाबा मेरे लाल पे रोए हुए बाबा मेरे लाल से मातम कौन करेगा, बाबा मेरे लाल पे गिरिया कौन करेगा। यकीनन उसी जहरा के गमजदा दिल की तमन्ना है आप। ये अदा हुसैन अजीजों जमाना 14 साल तो गायब था लेकिन मिट गए अदालत को मिटाने वाले, खत्म हो गए अदा हुसैन को खत्म करने वाले। न ताहत बचा, बचा न तख बचा, न लश्कर बचा, लेकिन अदार आदमी बाकी। क्यों? का अल्लाह का वादा है तुम मेरा दिल हो मैं तुम्हारा दिल होगा। मौला हुसैन ने चंद लम्हों के सजदे में खुदा का ऐसा जिक्र अदा कर दिया कि कयामत तक अल्लाह मखलूत हो गया हुसैन का। अजीजों अदा हुसैन ने आप मखलूत है, हमारा मखलूत है। बस यही दावा करना चाहता हूँ, कोशिश करना दो कतरे आंसू आपके आंसू से बह जाए, इसलिए कि यकीनन आप कुर्सा देने के लिए आए हुए। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप हुसैन का जान फिदा करने वाले, यकीनन जहरा सबको जानती है कि कौन कितना खुलूस आया हुआ है। बस तमन्ना यही है, दुआ यही करना कि खुदाया मासूमा जहरा को हमसे राजी कर दे। यह ऐसा हुसैन यकीन मैं फिर कहूँगा खुशनूदी जहरा नहीं तो खुद भी नहीं। लिहाजा अगर सीने पे हाथ मार रहे हैं तो एक लम्हा तसव्वुर करना कि हो सकता है कि जहरा आपको देख रही हो। यकीनन कितना सुकून मिलता होगा जहरा को कि जब अपने लाल के अदालों को रोते हुए देखती होगी, मातम करते हुए देखती होगी, कहती हुई परवरदिगार कि मेरे लाल की चाहने वाले हैं वो मातम कर रहे हैं। आती है सगीरा टूटी हुई पसलियों को लेकर आती है, हाय जहरा टूटी हुई पसलियाँ वो भी जिसका पहलू भी शिकस्ता है, जिसकी गुर्बत भी शिकस्ता है, वो आपकी बात का नाते हो जाए। शहजादी आती है इस बात से किसी तकबल टीके ना चाहिए, ये नहीं कि आप ईमान रहते हो ईमान, ये जिंदा वाकयात है। कुछ सालों की पहली बात है, हैदराबाद के एक अजहरा की इंतकाल हुआ, हुआ ये बात जैसे आप मातम करते हैं आप देखें बहुत से लोग हैं जो अंजुमन को सुनने के लिए आते हैं, फला जगह अंजुमन पढ़ाइए फला कहाँ काम कर रहा है, लोग सुनने आते हैं। और ये मोहब्बत हुसैन की ऐसी मोहब्बत है कि अजादार को अजादार से मोहब्बत हो जाती है। सुने बात है हैदराबाद जिंदा बात है कि एक अजादार जो मौला हुसैन की मोहब्बत था, नौजवान लड़का जो आका हुसैन की शान में नमाज पढ़ता था, उसकी बहन की शादी थी, उसकी बहन की शादी थी, वो अपने इलाके के अपने हैदराबाद के सरबतमंद इंसान के पास गया, एक अजादार के पास बोला कि मेरी बहन की शादी है कुछ उधार दे दीजिए ताकि मैं अपनी बहनों की शादी कर सकूँ, दबाऊंगा जब बोला है कि मेरे को पैसा वापस करूँगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम ये पैसा ले जाओ, अगर हो सके तो वापस करना, मैं वापस करने की जरूरत नहीं है, खाली वसीयत जोड़ने की जरूरत हो रही है, हो सकता है कि मुझे मौका आ जाए जब मैं मर जाऊँ तो मेरी वसीयत याद रखना कि मेरे जनाजे पे आकर एक बार दो नमाज जरूर पढ़ लेना, जो तुम अक्सर अक्सर मरीजों में पढ़ते हो, पूजा कौन सा नहा तो वही नहा जिसका उल्टा तकदीर से ये है कि खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नमाज का पानी। कहा बेटा ये नमाज जरूर पढ़ लेना जब तुम मेरे जनाजे पे आना जब मैं मर जाऊँ। उसने पैसा लिया, बहनों की शादियां भी बहुत गुजरा, जब कुछ सालों के बाद में इत्तेफाक ये था कि उनका इंतकाल हो गया, मरहूम हो गए जिसने पैसा दिया था। जब इंतकाल हुआ इस नौजवान को जब खबर मिली कि दौड़ हुआ आया, ये तब पहुंचा जब लोग जनाजे को कब्र में उतारने वाले थे, ये गया इसने रोता था भाई ऐसा है कि इनकी वसीयत है मरहूम की उसको पूरा कर लो, उनके कौन सी वसीयत का ये आजादार एक नौहे की फरमाइश करके मरे हैं, इन्होंने कहा था कि जब मैं मर जाऊँ तो नमाज पढ़ना खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नमाज का पानी। अजादारों अगर दिल में कलेजा है ना, अगर सीने में कलेजा है ना, दिल है ना तो पत्थर नहीं है तो सुनना इस बात को। जैसे ही उस नौजवान ने ये कहा अंजुमन लग गई, लोग सब बस्ता खड़े हो गए मातम हुसैन करने के लिए, सीने पर नौजवान मातम करना शुरू किया, उसने कहा खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नमाज का पानी। जैसे ही दूर में पड़े ना तो भी इसे पढ़े, लोगों ने देखा कि मरहूम की आंखों से आंसू चल रहे हैं, मुर्दे की आंखों से आंसू कर रहे हैं, जनाजे की आंखों से आंसू कर रहे हैं, लोग ऐसे पढ़े ऐसा नहीं कि
जिंदा हो बेहोश हो और हम समझ रहे मर गए, लोगों को लेके दौड़े अस्पताल की तरफ। जब गए डॉक्टर ने कहा कि जिंदा है शायद, एमबी को रोते हुए देखा, डॉक्टर ने चेक किया और कहा भाई मर चुके हैं। नहीं, जब सारे लोगों ने कहा कि हमने देखा कि रो रहे थे, इनके आंखों से पानी बह रहा था, आंसू गिर रहे थे, एक मिनट डॉक्टर ने चेक किया और उसके बाद में कहा हम इनकी दिल की आखिरी कैफियत देख चुके हैं, ये जिंदा नहीं है, ये मर चुके हैं। लोगों ने कैसी बात करते हैं, हमने खुद देखा। डॉक्टरों ने कहा कि हुआ क्या था, कहा कि इनकी वसीयत जो सारे वाक्य पढ़ा, तब बुलाओ नौजवान को। जब नौजवान वापस आया ना, कहा फिर से पढ़ाओ, कहा उसने फिर पढ़ा, खून बरसा मेरा सोच का बरसा पानी, हाय मानता रह गया अहमद का नवासा पानी। जैसे ही दूसरे पढ़े डॉक्टरों ने अपनी आंखों से देखा, फिर मरहूम की आंखों से आंसू बहे, फिर आंसू बहे। लोग हैरत में पड़ गए, ये आंसू क्यों कर रहे हैं। एक मरतबा डॉक्टर ने फिर चेक किया और उसके बाद सारा वाक्य नहीं पढ़ना, रिपोर्ट उन्होंने दी। आखिर में हैरत में आकर उन्होंने कहा हमें लगता है कि ये आजादार जो मारा है ना, ये नौहरे से बहुत मोहब्बत करता था, हुसैन से बहुत मोहब्बत करता था। शायद यही वजह है कि जब जब ये नौजवान ये नौहर पढ़ता है, इनके रूह इनके जिस्म में आ जाती है और फिर ये आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। मुझे इंसान से बताइए, एक आजादार की रूह उसके जिस्म में नौहर सुनने की आ जाती है, तो जरा इंसान से बताओ फातिमा कहरा अपने लाल से बता। जैसा कहना मेरे दिल और आज सफर की पहली तारीख, आपने ताबूत उठाया हमारा देश का सजाद का, उस बीमार कैमरा का जिसने मसायब सिर्फ हीरा नहीं किया, सिर्फ नाम आया आंसू हारिए, सिर्फ नाम सुन के चौथे नाम रोए और आंसू से नहीं रोए, खून से रोए। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, एक जुमला मैं हमेशा पढ़ता हूँ मरीजों में और फिर कहूंगा और उसके बाद मेरे पास का सुना सुनूंगा। मैं हमेशा कहता हूँ गरीब वो नहीं है जिसके पास दौलत ना हो, गरीब वो है जिसकी आंखों में दम हुसैन का आंसू ना हो, गरीब वो है जिसके आंखों में मेरा हुसैन के दम के आंसू ना हो। इसलिए चौथे इमाम जिसके दम में खून रोते रोते मर गए, हाँ जी, तो ताबूत रखा है चौथे इमाम का, जरा सोचे क्या गुजरे बीमारी का अगला पर। मुझे नहीं मालूम आप क्या सुन रहे, मैं एक जुमला मसाय की रिवायत करना चाहता हूँ, इसलिए कि जब भी रिवायत को याद करता हूँ मेरा कलेजा काट जाता है। चौथे इमाम गुजरे इमाम ने देखा एक चाहने वाला वजू कर रहा है, चाहने वाले को वजू करते देखकर मस्जिद में कलेजा के आंसू से आंसू बहने शुरू हुए। वजू आप भी करते हैं, अल्लाह ताला देखो नमाज करा वजू करना, इसलिए कि चौथे इमाम अपनी दुनिया में अपनी जिंदगी में आका हुसैन के सबसे बड़े अज़ादार भी थे और सैयद सज्जाद भी थे, सैनुल आबिदीन भी थे। इमाम ने देखा कि चाहने वाला वजू कर रहा है, उसको वजू करते देखकर इमाम के आंखों में आंसू आ गए। वजू करने वाले जब वजू तमाम कर लिया, उसकी निगाहों ने देखा कि चौथे इमाम उसको देख के रो रहे हैं, हाल होता है उसको देख के आंसू बहा रहे हैं। अब तो देखा इमाम ने बीमार कर रहा है, उस चाहने वाले ने तो नहीं देखा कि चौथे इमाम रो रहे हैं, रोते हुए इमाम को देखकर वो आगे बढ़ा, इमाम के पास गया, हाथों को जोड़ के रहते मौला क्या मैंने गलत वजू कर लिया, क्या मेरे वजू में कमी थी, क्या मैंने सही वजू नहीं किया। जुमला धोए इमाम का, इमाम ने फरमाया नहीं तेरा वजू सही था, तूने सही वजू किया। इमाम फिर रोए, उसने कहा मौला जब मेरा वजू सही था तो आप रो क्यों रहे हैं, ये आपके आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, क्या आप गमजा क्यों हो गए। इमाम ने कहा महमूद तुझे वजू करते देख कर मुझे एक मंजर याद आ गया, मुझे एक मंजर याद आ गया, एक बड़ा चाहने वाला इमाम के कदमों में गिर गया, उसने इमाम के पैर पकड़े, आवाज दी मौला अगर आपने ना बताया ना तो मेरी सांस बंद हो जाएगी, मेरा कलेजा फट जाएगा, मैं सोच सोच के मर जाऊंगा कि मुझे वजू करते दे मेरा मौला रो रहा था, मुझे वजू करते दे मेरा इमाम रो रहा था। सुने इमाम ने क्या कहा, इमाम ने कहा ऐ आजादार जब जितना पानी तूने वजू में बहा दिया, काश इतना पानी अगर मेरी प्यासी सकीना को मिल जाता तो सकीना जिंदा में ना होती, जितना पानी तूने वजू में बहाया काश इतना पानी अगर मेरी सकीना को मिल जाता, मेरी चार साल की बहन को मिल जाता, सकीना जिंदा में ना होती। सुनना मत आया चाहने वाले ने मौला के कंधों पे हाथ रखा, मौला क्या बीबी सकीना पानी नहीं पीती थी, क्या सकीना पानी नहीं पीती थी। इमाम ने रोक के कहा अरे जब जब पानी आता था सकीना छूट जाती थी, कभी मेरे पीछे छूट जाती थी, कभी भूखी सहन के पीछे छूट जाती थी, कभी हमारा बाप के पीछे छूट जाती थी, पूछे मौला क्यों जीतती थी, आवाज दी अरे जालिम जब भी पानी लेके आता था सकीना कहती थी अरे तुझे अम्मा बचा दो, अभी जालिम पानी लाया है, अभी घर में दरवाजे मार।
गरीबों की कहानी है ना, आसान देती थी सकीना, ऐ भूखे मर चलो जाहिर पानी लेके आया, अभी घरों के तमाचे मारेगा। इमाम जमान ने कहा मेरा सलाम हो उन रुखसारों पर जिनका धर्म कबीर होता रहा, जिनका धर्म मुतहैर होता रहा। ये कौन बीवी थी अरे हुसैन की अजीमा, जिनको ऐसे पूछा दिया कि घरों में तमाचे, और ऐसे तमाचे कि मर गई बीवी सकीना, घरों के तमाचे निशान गए नहीं। अजीतों राबियों ने कर्रा के राबियों ने तालिबे कर्रा के हर मसाय को किया, हर मसाय को नोट किया, हर मसाय को कैद किया। उन्होंने कहा कि मां हुसैन के बदन पर 1900 जख्म थे, 1900 आए सब मेरी से कहा, 1900 आए सब तले चार चार पर जैनब निकल हुसैन रखा है साथ पर 1900 तादाद जख्म हुसैन मालूम पड़े। मगर दो मुसीबतें हैं जो कभी मालूम ना पड़ पाई। पहली मुसीबत ये सकीना ने कितने तमाचे खाए, किसी बने मालूम सच्चा हाथ में कितने ताजगारे बांटाए जाए कोई नहीं जानता। क्या गुजर है हक तो ये था जिनको फूल भी फेंक के ना मारा जाए और उनको पत्थर मारे गए, जिनको फूल भी फेंक के मारने की इजाजत नहीं थी लोगों ने उन पर पत्थर। और जो रावी है आज एक तारीख सोमनामा आज मोहम्मद मकबूल है कि एक तारीख को ये काफिला शाम पे पहुंच गया, शाम में। और जो शाम ये शाम क्या है, इमाम जब भी पूछा मौला मुसीबत तो आज 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 हुई आवाज दिया शाम अशाम अशाम। आज एक तारीख काफिला आ गया शाम में, बस ये रिवायत सुन लीजिए और मुझे इजाजत दे देना, बस आपके आदत बंद हो गई। मगर दिल खराश रिवायत है सोमनामा आज मोहम्मद ने सहे साथी है, सहे साथी शाम में रहते थे, ये सुनना के सहाबी थे, कहते हैं ये रावी है, कहते हैं कि जब एक सफर आई मैंने देखा, मैं घर से बाहर निकला तो मैंने क्या देखा कि सारी पब्लिक लोग पे जमा है, औरतें घर पर मौजूद हैं, लोग नए से कपड़े पहने हुए हैं। मैंने अपने गुलाम से कहा ये कौन सी ईद है मुसलमानों की जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, ये सारे लोग सड़कों पे क्यों जमा है, ये औरतें छतों पे क्यों बैठी हुई है, ये बाजार क्यों आराधा किए गए हैं, ये सजावट किस लिए है, ये आसाइश किस लिए है। गुलाम ने कहा आपको नहीं मालूम, अरे नवाजा है रसूल हुसैन को मार मारा गया, कत हो गए हुसैन, सर आ रहे हैं हुसैन के, हुसैन का सर आ रहा है। मदीने को मंजर भूल गया कि मुझे याद आ गया कि रसूल हुसैन से कितनी मोहब्बत करते थे, मैंने देखा था कि रसूल हुसैन के होठों को चूमते थे, मैंने देखा था कि रसूल हुसैन के गले को चूमते थे, मैंने देखा था कि रसूल हुसैन से कितनी मोहब्बत करते थे। एक मतलब मेरी निगाहों में मंजर आ गया, मैं रो रहा था कि मैंने क्या देखा, नैनों पे आफ्ताब नजर आ रहे थे, कहीं पर हुसैन नजर था, कहीं पर कासिम नजर था, कहीं पे और नजर था, कहीं मोहम्मद नजर था, अरे कहीं शबीर पैगंबर नजर, कहीं छह महीने के अल्लाह का नजर। रावी कहता है मेरा कलेजा कांप गया, मैंने सर हुसैन की तरफ हाथों पर आया, आवाज दी हुसैन मैं आपके नौकर, आपको मार डाला गया। कहते मैं फटका कर रहा था कि खतरा मजमे में खत्म होनी शुरू हो गई, मजमे में तरात हुई। अब जो बर्दाश्त है ना बड़ा अजीब मंजर है। रावी कहता है मैंने देखा मजमे में बड़ा तरात मरवा हो गया, धक्का मुक्की शुरू हो गई, लोग एक दूसरे में गिरने लगे। अब जो मैंने देखा तो मेरा कलेजा बह गया, मैंने क्या देखा, पे कलेजा उनको पर अलियो तेरा की बेटियां सरों का चादर नहीं, बीबियां आई किस आलम में कि सरों का चादर नहीं, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं, और रसूल की बेटियां रसूल की नवासियां सहरा की बेटियां कह रही हैं वाह हिजाबा वाह गुरबता वाह पासा। जो बताया तो ये है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, सहर साथी कहते हैं मैंने
बीवियों की देवता सर को देखा, मेरी आंखों में मैंने सर को झुका लिया कि घटवा मेरा सर था, तुम्हारे क्या देखा? ये काफला बीवियों के नाते एक घर के नीचे खड़े हुए, एक छत के नीचे आए तो हजार हाथ करे, कहता है रानी कहता है मैंने देखा उस छत पर बैठी हुई कुछ मालूम औरतों ने पत्थर उठाकर बीवियों पे पत्थर मारने शुरू कर दिए। अल्लाह अकबर, कब बीवियों पे पत्थर, अरे बीवियों के सरों पे पत्थर लगे, बीवियों के जिस्म पे पत्थर लगे, सरों से खून बहने लगा। मैंने अपने मंजर देखा, मैंने हाथों को उठाया, आवाज की पैदा थी वाह मैं तेरे रसूल का सहाबी हूँ। ये मंजर देखा नहीं चाहता। अगर मेरी जिंदगी की कोई एक इबादत तुझे कबूल की है तो अल्लाह अजाब भेज दे, इन औरतों ने इंतजाम दे ले। रावी कहता है जैसे ही मैंने दुआ की ना एक मजा छट टूटी, छट टूटी, सारी औरतें गिर गिर करके मर गई। मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने अहले बैत के दुश्मनों से इंतकाम ले लिया, मैंने पता ले लिया, मैंने इंतकाम ले लिया। रावी कहता मैं खुश हो रहा था कि फतवा मैं अपनी खुशी पर शुक्र का फैसला करने के लिए जमीन पर बैठा था कि फतवा एक नौजवान मेरे पास आया जिसके हाथों में हथा लिया, पैरों में दे लिया, पैरों में था आवाज दी ऐसा ये रसूल आप पे खड़ा, ऐसा है आप पे खड़ा, अरे आपने हक अदा कर दिया हमारी मोहब्बत का। मैंने पूछा आप कौन, तो मैं हुसैन का बेटा, अरे सैयद सज्जाद। रावी कहता है यही मैंने सुना सैयद सज्जाद, मैंने कदमों को फड़ा, मैंने तो मौला मुझे माफ कर देना, आप तो खाना कुरबान हो गया मुझे मालूम नहीं पड़ पाया, आप तो खाना बोला मैंने बदुआ की, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बदुआ पूरी कर ली, ये औरतें मर गई। इमाम ने कहा ऐसा है सादी, तुमने एक बाजार देखा, तुमने एक मोड़ देखा, तुमसे बर्दाश्त न हुआ, ये सच्चा हर मोड़ पर पत्थर खा रहा है, हर चौराहे पे ताजा खा रहा है। सहसादी कहते हमारा मुझे इतना बताइए, अब मैं कह रहा हूँ नहीं था पर खत्म कर दिया, मैंने एक मिनट के अंदर मैं खाली कर रहा हूँ। मैं कहता मैं हाथों को जोड़ा, आवाज नहीं मारा मारा, मैं कह रहा नहीं था, लेकिन आप बता दिए क्या करूँ, क्या जान को खान कर दूँ, क्या सर के खा लूँ, क्या आपकी मुसरत में अपनी जान दे दूँ? इमाम ने कहा जाहिर साथी इसकी जरूरत नहीं है, अगर तुम हमारे हक में कुछ खैर करना चाहते हो तो ऐसे जाहिर साथी इन नैसे मर्दानों को जो नैसे जो सर हुसैन को उठाए हुए हैं ना इनको पैसा दो, इनको दिरहम दिनार दो और इनसे कहो सर सर को आगे ले जाए ताकि लोग सर हुसैन को देखे, सहजानों के खुले सर को ना देखे, सर हुसैन को देखे, बीवियों के खुले सर को ना देखे। बस आखिरी जुमला मौला कहते हैं दूसरी बात ये है जाओ अपने घर से अरे सहजानों के लिए चादर लेके आ जाओ, सच्चा आपकी जिंदगी में सहजानियां बेकार से एक बड़ा सहज दौड़ते हुए घर है, माँ की तरह चादर छीनी, एक बड़ा बहन के तरह से दो सारी बीवी की तरह चादर ली, बीवियों ने कहा ये चादर कहाँ लेके जा रहे हो, कहा जिनके घर से तुमने पर्दा करना सीखा है, अरे वही सहजानियां बेटा फिर आई जा रही है, अरे सहज चादर लेके आए, कोई चादर सहनब को दी, कोई उनके कसूर को दी, कोई रवाब को दी, सहजानियों ने चादर अपने हाथ में ली, अब्बास को याद किया लेकिन जैसे ही चादर सर पर रखी साहिबों ने हाथ आगे बढ़ाए, अरे चादर को छीन लिया, सहजानियों ने सर को पीटा, आवाज दी अब्बास हमने हाथ आगे बढ़ाया, चादर छीन चुकी है।